संदर्भ में वर्ल्ड हेल्थ डे 2023 इसी बात को सभी के सामने लेके आने के लिए हम लोग इस लाइव में आज हम ज्वाइन किए हैं। मेरा नाम शिशिर विश्वास है और हम योग अभ्यासकारी हैं, योग का अभ्यास करते हैं और हम इसको प्रमोट करने की भी कोशिश करते हैं कि सब लोग योग अभ्यास के अंदर में आ जाएं, उनका जीवन में दिनचर्या में मतलब हर एक दिन हर रोज उनका जीवन में कुछ ना कुछ योग का अभ्यास वो करे, चाहे वो फिजिकली चाहे वो मेंटली। फिजिकली अगर योग अभ्यास वो करते हैं तो उनका कुछ सिस्टम कुछ ऑर्गन्स वो अंडर कंट्रोल में आते हैं, उनका शरीर फ्लेक्सिबल होते हैं, वेट रिडक्शन होता है, फिजिकल कोई प्रॉब्लम अगर होता है तो उससे वो उनको छुटकारा मिलते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है दैट इज साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, मतलब मन में जो प्रॉब्लम तैयार होता है और जो शरीर में प्रभावित होते हैं बाद में। तो जो ये साइकोसोमेटिक जो प्रॉब्लम है इसको योग सबसे ज्यादा काम करते हैं। और इस प्रॉब्लम क्यों स्टार्ट होता है, व्हाई इट्स प्रॉब्लम कम्स, इसमें बोला जाता है कि कोई भी चीज जब हम लोग चाहते हैं और वो नहीं मिलते हैं, जब हम लोग वैराग्य नहीं कर पाते हैं, डिटैचमेंट नहीं हो पाता है, तब भी जाके प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, चाहे वो छोटा से बड़ा हर एक चीज जब हम लोग चाहते हैं और जो हम लोग को नहीं मिलता है उसके कारण मन में दुख होता है और दुख से ही सारा कुछ बिगड़ते हैं, तब दुख से राग होता है तो ये और फिर क्लेशा आ जाते हैं, अविद्या के कारण वो सब कुछ हम लोग करते हैं। तो जीवन का उस मैकेनिज्म को थोड़ा समझना चाहिए और इसी के साथ साथ योग का अभ्यास भी बहुत जरूरी है। योग का अभ्यास मतलब जैसे हम बोल रहे थे कि फिजिकली सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम, सूर्य नमस्कार, आसन, षटकर्म का अभ्यास, ये सारा कुछ अभ्यास करेंगे फॉर आवर फिजिकल बॉडी एंड मेंटल बॉडी के लिए हम लोग ध्यान का प्रत्याहार का अभ्यास करेंगे, मन कैसे अच्छा रहे उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। उसके ऊपर काम करना मतलब जैसे आप ये जानते हो या आप ये देख लिए कि कोई एक काम करते हुए आपको बहुत अच्छा सुकून महसूस हो रहा है वो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी का नुकसान करे। ऐसे पॉजिटिव काम जैसे यू आर गिविंग वाटर टू द ट्रीज, आप गाछ में पानी दे रहे हो, इसके द्वारा भी आपका मन शांत हो सकता है, आपको बहुत अच्छा लग सकता है। हम तो बहुत दिन देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छा काम वो है जैसे कोई स्ट्रीट डॉग्स को दे आर गिविंग फूड, वो बहुत कुछ ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन सिंपल है, बट इट्स वेरी मतलब सेल्फलेस वर्क, क्योंकि मे बी ही और सी डोंट नो कि नेक्स्ट डे वो फिर से वो खाना तैयार करके उनको दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे और उनसे वो कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। एक्सट्रीम डॉग से क्या एक्सपेक्ट करेंगे, बट ही और सी इज डूइंग द सेम एवरी डे डे। इवन हम कुछ लोगों को देखे हैं जो ऐसे बारिश के टाइम पे भी वो लोग अपना काम नहीं बोलते हैं, वो अपना टाइम पे बारिश हो रहा है छतरी लेके जाके भी वो फूड दे रहे हैं स्ट्रीट डॉग को। तो ये इट्स वेरी गुड थिंग और ऐसे डिवोशन ऐसे कर्म योग हम लोगों को करना चाहिए। जीवन में ऐसा सेल्फलेस वर्क वी शुड गो फॉर इट। पूरा दिन में ध्यान जरूर करना चाहिए, चाहे वो 2 मिनट का क्यों ना हो, और उन पे उनको देखना चाहिए कि वो खुद के साथ वो क्या बात कर रहे हैं, क्या उनका मन का स्थिति है, तब जाके वो सही में हेल्थ जो डेफिनेशन है उनको वो समझ पाएंगे।
अदरवाइज क्या होते हैं, पूरा दिन भाग दौड़ का जिंदगी एंड रैट रेस, ये शब्द हम लोग तो सुनते ही आते हैं, एंड दैट इज अल्टीमेट, इसमें हम लोग, इससे हम लोगों को छुटकारा नहीं मिल सकता है, इनके साथ ही हम लोगों को जीना है। ऐसा नहीं है कि ये भाग दौड़ वाला जिंदगी सिर्फ अभी का है, प्राचीन काल में नहीं था। हम लोग जानते हैं साइकोलॉजी से जुड़े हुए सबसे ज्यादा बुक वो इंडिया में पाया जाता है, चाहे वो भगवद गीता हो चाहे वो उपनिषद हो, जो मतलब उस टाइम पे भी तनाव का स्थिति था, इसीलिए ये सारा बुक्स का जरूरत हुआ। और कोई मुनि या कोई ऋषि वो अपना आश्रम में बैठ के या तप करते हुए इनको फिर और भी रिफाइंड किए, इनको और भी शोभावर्धित किए। तो हेल्थ को सही से मेंटेन या सही से जानने के लिए सभी को हम बोलेंगे कि आपको योग का अभ्यास जरूर करना चाहिए। योग का अभ्यास नहीं करेंगे तो फिजिकल, मेंटल, सोशल, सोशली कैसे रहना है योग में ये भी बता दिया गया, चाहे वो भगवद गीता में क्यों ना हो, उसमें बताया गया कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योग भवति दुःखः। युक्त आहार मतलब आपको परिमित रूप से खाना खाना है, भोजन करना है। अभी आपका यही बात आपको डॉक्टर भी बोलते हैं, जब आपका कोलेस्ट्रॉल होता है, जब आपका डायबिटीज होता है, जब आपका बीपी हाई होता है तब भी, या आपका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब जीआईडी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर कुछ भी होता है, तो योर डॉक्टर, इवन आपका वेट लॉस या वेट गेन दोनों में ही डॉक्टर आपको फर्स्ट बोलेंगे आपका फूड, आप क्या क्या खाते हैं उसमें आपको नियंत्रण करना है, आपको ये खाना है, इस टाइप का फूड खाना है या तो इस टाइप का फूड नहीं खाना है, नहीं तो दे आर सेइंग कि आप यू शुड गो फॉर डाइटिशियन। तो डाइटिशियन के पास जब जाते हैं, डाइटिशियन भी कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि आपको बहुत ज्यादा खाना चाहिए, आपको बहुत कम खाना चाहिए, जो मतलब आपका मेंटेन करते हुए जो भोजन आपको करना चाहिए वही आपको वो बताते हैं। और जब आप वैसे भोजन करते हैं तब आप अपना जो प्रॉब्लम है उनसे वो बाहर आते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ डे में योग में भी ऐसे ही हम लोग देख सकते हैं कि भोजन के ऊपर भी योग बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया हुआ है। नॉट ओनली दैट, युक्त चेष्ट से कर्मिसु, आप अगर हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको एक्सेसिव वर्क नहीं करना है। यू आर नॉट अलाउड टू डू एक्सेसिव वर्क, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा काम करोगे तो आप कभी भी बीमार पड़ सकते हो। आप लोग शायद आसपास में ही अगर देखेंगे तो ऐसे बहुत लोगों को देख पाएंगे कि जो एक टाइम पे बहुत ज्यादा काम करते थे, अभी अचानक उनका तबीयत खराब हो गया एंड पूरा जितना पैसा वो अर्न किए हुए थे वो सारा ये उनका तबीयत ठीक करने में लग जाते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो और उसका इफेक्ट आपका शरीर के ऊपर आए। तो इस रूप से हम लोगों को काम करना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व भी मत होना है और काम नहीं करके भी नहीं बैठना है। तो युक्त रूप से काम करना है, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। जब आप ऐसे मेंटेन वे में आपका जीवन मतलब काम करोगे या वर्क करोगे तब जाके नेक्स्ट स्टेप आता है, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म। अच्छा, विहार आहार विहार, विहार मतलब आचार विचार एंड व्यवहार, आपका किसी के साथ कैसे आचरण होगा वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग घर में आचार रखते हैं वो जैसे बहुत अच्छे से संभाल के रखा जाता है, उनको ऐसे ही आप टच नहीं कर सकते हो, आप उनको बहुत अच्छे से एक कंटेनर में रखते हो,
वैसे ही आपका शरीर भी वैसे ही आचरण आपको करना चाहिए। आपको वैसे ही कंटेनर की तरह खुद को रखना है, कभी भी किसी से भी ऐसे ही टच नहीं करना है शरीर में, एवं सभी से ऐसे ये दिस इज नॉट ए अनटचेबिलिटी। ऐसा नहीं कि किसी का अगर जरूरत होता है अननेसेसरी आप किसी के साथ, चाहे इवन हम लोग देख सकते हैं कोविड सिचुएशन में बोला गया था कि नमस्कार इज अल्टीमेट, आपको हैंडशेक नहीं करना है। तो इस कोविड सिचुएशन हम लोगों को सिखाए हैं, योग जो बोले हैं, इंडियन कल्चर जो बोले हैं, दैट इज परफेक्ट कि आप किसी को भी प्रणाम करो दूर से, और कभी भी उनका ना गले लगने का जरूरत है ना वो आपका हैंडशेक का जरूरत है, आप दूर से ही उनको प्रणाम करो तो आपने आप में ही आप महान होंगे, क्योंकि आप जो सामने वाला है उनको भी आप रेस्पेक्ट दे रहे हो और आपको भी आप रेस्पेक्ट ले रहे हो। एंड ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अगर खुद रेस्पेक्ट किसी को नहीं दोगे और खुद रेस्पेक्ट भी आप नहीं होंगे, और ये रेस्पेक्ट मतलब सोशलाइज्ड होना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इन मॉडर्न डेज, क्योंकि जैसे जो लोग काम करते हैं, खुद एस्टेब्लिश होते हैं, अपना घर होते हैं, अपना बिजनेस होते हैं, एम्पायर होते हैं, या कोई सर्विस करने वाले उनका करोड़ों रुपया बैंक में जमा हो जाते हैं, फिर एक टाइम पे आता है क्राइसिस, जब लगता है नो वन नोज मी इन दिस वर्ल्ड, और हम लोग तो चंद दिनों का मेहमान है, तो जब भी इस दुनिया छोड़ के जाएंगे सो नो वन विल रिमेम्बर अस। ये भी एक मेंटल हेल्थ में बहुत इफेक्ट लाता है। तो इस जो आचार विचार एंड व्यवहार, तो किसी से भी जब बात करेंगे किसी को ठेस ना पहुंचाना, चाहे वो कितना भी सच हो लेकिन करवा सच नहीं बोलना है। उसी संदर्भ में व्यवहार भी सभी से विनम्र होना चाहिए, चाहे वो अपना आपका कितना बड़ा मित्र हो या शत्रु हो, दोनों से ही समान रूप से पेश आना है, तब देखेंगे कि आप अपना लाइफ को सही से एंजॉय कर पा रहे हो। Otherwise, we could not able to do that things. You could not able to enjoy your World Health Day में आज एक क्या बोलते हैं इसको रेजोल्यूशन लेना चाहिए सभी को कि हम लोग फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली फिट रहने के लिए योग का अभ्यास, एंड योग विल टेक योग एज ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ। व्हाई? बिकॉज योगा इज अ ओनली प्रैक्टिस विच हेल्प्स यू टू डेवलप योर स्पिरिचुअलिटी। एज वी नो व्हाट इज स्पिरिचुअल, people are saying okay rituals are spiritual, that is not. In yoga it is said that God is there, but who is God? There is a definition of God is there also. Klesha karma vipakashvara param rishta purush visheshishvara means that very purush or that very man who is free from all sorts of worldly limitations. If you are willing to achieve your highest goal, अगर आप चाहते हो कि अपना जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए आनंद में रहना, क्योंकि जीवन में हर कोई मुक्ति चाहते हैं, मुक्ति मतलब जो भी बॉन्डेज है, जो भी क्या बोलते नेगेटिविटी है उनसे मुक्ति चाहते हैं, जैसे हेल्दी या अच्छा रहना। जब कोई बच्चे छोटे होते हैं वो चाहते हैं कि कब हम बड़े होंगे, जब बड़े होते हैं थोड़ा बहुत 10-12 साल, तो तब चाहते हैं उनका मसल पावर कैसे बड़े हो जाएंगे या मसल कैसे बढ़ते हैं,
फिर एक टाइम आते हैं वो उनका ये शरीर मेंटेन करना, फिर मेंटेन के बाद ऐसे टाइम आते हैं कि उनका मसल लूज ना हो जाए, इसके लिए वो प्रयत्न करते हैं। तो दिस ऑल दिस थिंग्स विल कम एंड वी हैव टू टेक इट एज ए कॉमन थिंग, क्योंकि ये शरीर है, हम छोटे से बड़े होंगे, बड़े से बूढ़े होंगे और बूढ़े से मर भी जाएंगे। इसका डर कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्यों डरेंगे, क्योंकि हमारा अल्टीमेट है कि वी हैव टू वर्क, और वही काम हम लोगों को करते जाना है जो भी हमारा कर्तव्य कर्म है, तभी देखेंगे कि हम लोग सही से हेल्दी हो पा रहे हैं। जैसे ये स्पिरिचुअल हेल्थ को लेके हम लोग बात कर रहे थे अभी, तो स्पिरिचुअली हेल्दी कोई व्यक्ति कैसे होते हैं, जब वो सारा कुछ काम वो ईश्वर प्रणिधान मतलब भगवान को समर्पण करते हुए वो कोई काम करते हैं, तब भी उनको सही से रिजल्ट मिलते हैं। अदरवाइज विल नॉट गेट 100% रिजल्ट इन योर लाइफ। सो टू गेट 100% रिजल्ट यू शुड हैव टू सरेंडर योर सेल्फ टू गॉड, और वो कोई भी हो सकता है, लेकिन उनके अंदर में जो गुण होना चाहिए, क्लेश कर्म विपाकाश्व परामृष्ट, मतलब क्लेश कर्म विपाक आशय के साथ उनका कोई संबंध ना हो, तो इसके साथ कोई धर्म का डायरेक्टली ताल्लुकात नहीं है। आज जो हिंदुइज्म है, हम नहीं बोल रहे हैं कि ये खराब है या दूसरा कोई भी धर्म, आप कोई भी धर्म का प्रतिपालक हो सकते हो, लेकिन आप योग का अभ्यास भी कर सकते हो। इसमें बोला गया है ईश्वर पर निधान, मीन्स यू नीड टू सरेंडर टू गॉड। तो हर एक धर्म में यही सरेंडर टू गॉड ये शब्द है ही, डिफरेंट रूप में है, वो अपना अपना धर्म के अनुसार, अपना अपना मजहब के अनुसार, अपना अपना रिलीजन के अनुसार, या अपना सोच विचार के अनुसार। इफ यू आर एथिस्ट, मतलब आप कोई भी भगवान को भी नहीं मानते हो, तो भी आप योग का अभ्यास कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे हैं जो मेरे साथ बात होते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि सर आई डोंट बिलीव ऑन गॉड एंड आई नेवर बीन एनी रिलीजियस प्लेस। तो आई से ओके, नो प्रॉब्लम, स्टिल यू कैन बी ए योगी। व्हाई? बिकॉज मे बी यू आर फॉलोअर ऑफ जैसे साइंस, तो साइंस तो बोलते ही हैं कि अल्टीमेट जो है, दैट इज एक शब्द अभी आया है, दैट इज गॉड पार्टिकल्स या ब्लैक होल या पावर ऑफ नेचर, तो आप इसके ऊपर आप अपना सब कुछ सरेंडर कर सकते हो, देन यू कैन बी अ योगी ऑल्सो, देर इज नो प्रॉब्लम। तो इसलिए आपको ऑलवेज ये ध्यान रखना है कि आप को अगर हेल्दी रहना है, सो यू हैव टू प्रैक्टिस योग। ऐसे कितने लोग हम लोग जानते हैं, एंड योगा एंड हैप्पीनेस से पूरा कोलकाता, क्या पूरा इंडिया से बहुत लोग जुड़े हुए हैं जो हम लोगों के साथ योग अभ्यास करते हैं। योगा एंड हैप्पीनेस जैसे सर्टिफिकेशन कोर्स भी कराते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड IYA इंडियन योगा एसोसिएशन से कोलैबोरेट करके, उनके साथ साथ हम लोग योगा एट होम सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं इन कोलकाता, एंड इन वेरी रिसेंट वी आर गोइंग टू लॉन्च इन फ्यू मोर सिटीज जस्ट लाइक गुवाहाटी एंड दिल्ली। नॉट ओनली दैट, हम लोग ऑनलाइन में भी योग का प्रशिक्षण देते हैं, और इसमें भी हम लोग से जुड़े हुए हैं बहुत सारे लोग जो यही उनका फीडबैक है कि योग अभ्यास के द्वारा हम लोग अभी पहले से बहुत बेहतर है, वेट लॉस से लेके इवन फॉर वोमेन्स प्रॉब्लम, PCOS, PCOD, इवन प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल एवरीथिंग, एंड फॉर जॉइंट आर्थराइटिस, हर एक प्रॉब्लम में हम लोग देख रहे हैं वो एक एक घंटे का अभ्यास, एक घंटे का अभ्यास दिन में उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ गया है। तो और योग अभ्यास अपने आप खुद ब खुद करना बहुत मुश्किल है, क्यों? क्योंकि अगर आप खुद प्रैक्टिस करोगे
तो कुछ दिन के बाद आपके शरीर में मन में आलस्य का भाव आ ही सकता है। हम नहीं बोला कि आएंगे ही आएंगे, लेकिन 1% भी अगर ऐसा कभी महसूस होता है तो जरूर आपको कोई इंस्ट्रक्टर को बुलाना चाहिए आपका घर में, जो आपको हेल्प करते हुए आपको प्रैक्टिस कराएंगे। आप कोई भी स्थान से हो सकते हो, इस भारतवर्ष का या पूरा विश्व का, कहीं से भी हो सकते हो। फ्रॉम व्हेरेवर यू आर, यू जस्ट प्रैक्टिस योग। अभी इस मॉडर्नाइज जमाने में, ये फॉर द पैंडेमिक सिचुएशन, ऐसा हुआ है कि दुनिया हाथ के मुट्ठी में आ गया, मतलब बाय द इंटरनेट कनेक्शन, बाय यूजिंग ऑफ सोशल मीडिया एंड यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, आप इजीली कोई भी इंस्ट्रक्टर को हायर कर सकते हो एज पर योर बजट, एज पर योर कन्वीनियंट टाइम। लेकिन आपको ये देखना होगा कि वही इंस्ट्रक्टर सही से आपको योग का अभ्यास करवा सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एंड वर्ल्ड हेल्थ डे के डे में आज ये हम लोग एक रेजोल्यूशन लेते हैं, सभी जो भी आज लाइव जुड़े हुए हैं, बाद में भी जो देखेंगे, सभी को एक मैसेज यही है कि आप योग में इन्वॉल्व हो जाओ, योग प्रैक्टिस करो, तो तभी आप सही से अपना हेल्थ को मेंटेन कर पाओगे। किसी का अगर फेसबुक में अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन टेल अस, अगर किसी क्वेश्चन है तो ये योग लेके, योग का संदर्भ में, तो डेफिनेटली विल डिस्कस द सेम। एंड आज बहुत अच्छा भी लग रहा है, बहुत दिन के बाद फेसबुक ऐसे लाइव में आके। एंड हम लोग योगा एंड हैप्पीनेस का एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि हम लोग नेक्स्ट में ऋषिकेश में जाने वाले हैं 21 मई 2023। तो इसका रजिस्ट्रेशन भी ऑन है, आप yogaandhappiness.in इसमें विजिट करके पूरा सारा डिटेल्स आप देख सकते हो। आइटिनरी भी उन पे मिल जाएगा आपको, और कुछ भी अगर फर्दर जानकारी चाहिए तो yogaandhappiness.in में विजिट करके वहाँ पे जो भी कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा उसमें आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। एंड डेफिनेटली आवर टीम, बैक एंड टीम विल हेल्प यू टू, एंड यू ऑल आर वेलकम टू विजिट दैट योगा रिट्रीट। और वो 7-6 दिन हम लोग एक परमार्थ निकेतन आश्रम में हम लोग रहेंगे, एंड टेंट में 2 दिन रहेंगे। तो योगिक वे ऑफ लाइफ कैसे होते हैं, ये वर्ल्ड हेल्थ डे में हम लोग एक रेजोल्यूशन लेना चाहिए और सही से हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि जैसे आप अपना फैमिली लाइफ में रहते हो, आपका आपका प्रोफेशनल लाइफ में रहते हो, लेकिन वहां पे कभी भी आप आनंद में, आनंद मतलब क्या है, घर से वो आनंद तो है ही, लेकिन जिसमें आप कुछ सीखोगे और जिसमें 24/7 आपका हेल्थ लेके आप सोच रहे हो, आपका परिमंडल जो आपका पॉजिटिव एनवायरनमेंट उसमें ही आप रह रहे हो, लाइक माइंडेड पीपल ही से रहेगा वहां पे, एंड आप टाइम टू टाइम आप खाना खा रहे हो, आप टाइम टू टाइम आप योग का अभ्यास कर रहे हो, आप उसके साथ साथ आसपास भी आप घूम रहे हो, तो एक कंप्लीटली मतलब आपका 360 डिग्री चेंज हो सकता है। जैसे ये बोल सकते हैं कि ये हमारा एक पूरा एक साल के लिए एक लाइफलाइन बन सकते हैं कि ये कैसे 7 दिन अगर 6 दिन अगर हम बिता के आते हैं, उनके बाद जो आपका प्रोडक्टिविटी है वो बहुत हद तक बढ़ जाएगा। इवन वी हैव सीन लास्ट ईयर जिनके साथ भी अभी भी ऐसे बात हुआ है, दे हैव सेड कि दे हैव लर्नड अ लॉट एंड देयर लाइफ हैज चेंज आल्सो। और यहाँ पे दिस इज नॉट ओनली फॉर न्यू कमर्स, दिस इज फॉर आल्सो जो योगा ऑलरेडी टीचर है वो भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो योगा प्रोफेशनल्स हैं दे कैन ज्वाइन आल्सो। तो इससे उनका नॉलेज और भी बढ़ेगा, एंड जो न्यू कमर्स है जो फर्स्टली योग में जुड़ रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी रहेगा, जहाँ पे
ग्रुप ऑफ योगा टीचर्स एक साथ आएंगे पूरा भारत देश से, पूरा विश्व से, और आप सभी से योग के बारे में, योग में ही आप अपना जीवन कैसे बिताओगे, योग में ही कैसे रहा जाए, इसका पूरा गाइडलाइन आपको मिल जाएगा. सो यू ऑल हैव टू डू ओनली वन थिंग, दैट विजिट yogaandhappiness.in, और वहाँ पे रिट्रीट बोल के एक टैब होगा, उसमें जाके आप देख सकते हैं पूरा रिट्रीट के बारे में, अबाउट अस, व्हाट वी हैव डन. आप अपना हमारा सोशल मीडिया में भी विजिट करके देख सकते हैं कि हम लोग पहले कैसे इस प्रोग्राम को, ऐसे प्रोग्राम को कैसे हम लोग अंजाम दिए हैं. सो ये वर्ल्ड हेल्थ डे में आप इसको भी एक एज ए रेजुलेशन ले सकते हैं और अपना जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग विथ अस योगा एंड हैप्पीनेस के साथ रहने के लिए. और भी इस जो इन आज हम लोगों का ये जो लाइव प्रोग्राम है, इसको और भी बहुत लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इनको जान पाए, सभी लोग इनके बारे में समझ पाए, योगा एंड हैप्पीनेस से और भी बहुत लोग जुड़ जाए. क्योंकि हम लोग फ्यूचर में चाहते हैं कि इसको एक नेशनल एक मूवमेंट करने के लिए, नेशनल एंड इंटरनेशनल मूवमेंट विद द योगा एंड हैप्पीनेस, और सभी का सहयोग चाहिए. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव प्रोग्राम विथ योगा एंड हैप्पीनेस वर्ल्ड हेल्थ डे 2023. थैंक यू.